गणेश चतुर्थी में जो सबसे ज्यादा बनाया जाता है वो है मोदक। और आज मैं बनाने जा रही हूँ बहुत ही हेल्दी एंड टेस्टी मखाना मोदक। नमस्कार, मैं हूँ नंदिनी और स्वागत है आपका मी एंड माय किचन बाय नंदिनी में। तो चलिए बनाते हैं मखाना मोदक। इसके लिए हम कढ़ाई को गैस में रखेंगे और 2 से 3 चम्मच घी डालकर काजू और बादाम को फ्राई कर लेंगे। बादाम हम पहले डालेंगे क्योंकि बादाम टाइम लेता है इसे बनाना, और काजू हम बाद में डालेंगे। काजू को भी डालकर अच्छी तरह से भूनेंगे कलर चेंज होने तक। काजू और बादाम हमारा भुन चुका है, इसे हम प्लेट में निकाल लेंगे और ठंडा होने देंगे। अब हम मखाना डालेंगे। 100 ग्राम के करीब मखाना लिया है हमने। इस समय गैस का फ्लेम हम लो ही रखेंगे, नहीं तो मखाने जलने का डर रहता है। मखाना को भी हम अच्छी तरह से भूनेंगे, कुरकुरा होने तक इसे भूनेंगे। बीच बीच में चेक करते रहेंगे हम कि मखाना भुना है या नहीं। हम इसे लगातार चलाते रहेंगे, नहीं तो मखाने नीचे से जल जाएंगे। गैस की फ्लेम लो ही रखेंगे, धीमी आंच में सिकेंगे तो ज़्यादा क्रिस्पी बनेंगे। इस तरह से तोड़ के देखें, अभी और थोड़ा सा टाइम लगेगा इसको सिकने में। एक बार फिर हम इसे चेक कर लेते हैं। अब ये सिक चुका है, अच्छी तरह से क्रिस्पी हो चुका है। हम इसे एक प्लेट में निकाल लेंगे और ठंडा होने के लिए कुछ देर रख देंगे। इसके बाद हम इसे ग्राइंड करेंगे। अब ये ठंडा हो चुका है और हम इसे ग्राइंड करेंगे। सभी मखानों को अच्छी तरह से ग्राइंड कर लेंगे। इसी तरह से हम काजू और बादाम को फ्राई किया था उसे भी हम ग्राइंड कर लेंगे और बाउल में निकाल लेंगे। काजू और बादाम दोनों को मिक्स कर लेंगे। मखाने वाले पाउडर के साथ उसे मिक्स कर लेंगे। अच्छी तरह से मिक्स करें। इसके बाद इसमें हम डालेंगे 1.5 चम्मच के करीब कंडेंस्ड मिल्क। मैं ये कंडेंस्ड मिल्क अपने घर में बनाई हूँ, होम मेड है ये। कंडेंस्ड मिल्क कैसे बनाते हैं इसकी रेसिपी भी मैं जल्दी ही अपने चैनल पर अपलोड कर दूंगी। 5 से 6 चम्मच शक्कर डालेंगे, पिसी हुई शक्कर डालना है। अच्छी तरह से इनको मिक्स करेंगे। इसके बाद हम इसमें डालेंगे 2 चम्मच शुद्ध देसी घी। बाइंडिंग के लिए हम इसमें 2 टेबलस्पून डालेंगे मिल्क, ताकि अच्छी तरह से इसका डो बन जाए। अब हाथों की सहायता से इसे अच्छी तरह से मिक्स करेंगे और इसका डो बनाएंगे। अगर हमें जरूरत पड़ती है तो और थोड़ा मिल्क हम डाल सकते हैं, और कंडेंस्ड मिल्क भी डाला है 1 चम्मच, जिससे हमारा ये डो बहुत अच्छी तरह से बन जाए। ये सूखा नहीं रहना चाहिए, नहीं तो मोदक अच्छी तरह से नहीं बनेंगे। देखिए अच्छी तरह से मिक्स होने लगा है। हमारा डो तैयार है।
अब हम मोदक मोल्ड में डालकर मोदक बनाएंगे। इसके पहले हम मोल्ड को ग्रीस करेंगे घी के साथ और अब हम इसमें फिलिंग डालेंगे। अच्छी तरह से दबा दबा कर भरें। दबा दबा कर भरने से मोदक का शेप बहुत अच्छे से आता है, सुंदर बनता है वो। इस तरह से बंद कर देंगे और पीछे साइड से भी दबाकर ऐसे निकालेंगे और नीचे से हाथों का सहारा देते हुए मोदक निकालेंगे जिससे उसका शेप अच्छा बने, टूटे ना वो। अब ये साइड में जो निकला हुआ है इसे हम अच्छे से दबा देंगे उंगलियों की सहायता से धीरे धीरे ताकि टूटे ना मोदक। ये देखिए हमारा मोदक तैयार है, इसे प्लेट में रख लेंगे। इस तरह से हम सभी मोदक बना लेंगे। इसको बार बार ग्रीस करने की ज़रूरत नहीं है, सिर्फ जब हम स्टार्ट करते हैं तभी बस ग्रीस करना है। हमारा एक और मोदक तैयार हो गया। इस तरह से दबाकर इसको फिनिशिंग दें। इस तरह से हमारे हेल्दी एंड टेस्टी मोदक तैयार हैं। भगवान जी को भोग लगाएं और खुद भी खाएं। और मेरे चैनल को लाइक एंड सब्सक्राइब करना ना भूलें।